नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एबीपीसी वोटर के सर्वे के अनुसार 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। अगर वोट फीसद की बात करें तो कांग्रेस को 45% और बीजेपी को 43% वोट मिल सकते हैं और अन्य के खाते में 12% वोट जा सकते हैं। एबीपीसी वोटर्स के सर्वे के अनुसार तेलंगाना में बीआरएस के लिए अच्छी खबर है। सर्वे के अनुसार 119 सीटों में से बीआरएस को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 43 से 55 सीटें मिल रही हैं। इनके अलावा बीजेपी को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा केसीआर भी सीएम की पसंद में पहले नंबर पर हैं। वोट फीसद की बात करें तो बीआरएस को 41%, कांग्रेस को 39%, बीजेपी को 14% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 6% वोट जा रहे हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल के सर्वे के अनुसार मिजोरम में एमएनएफ को बहुमत मिल सकता है। कुल 40 सीटों में से एमएनएफ को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं और ZPM को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा MNF को 35% वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस को 30% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा ZPM को 26% वोट मिल सकते हैं और अन्य के खाते में 9% वोट जा सकते हैं। राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी का छत्तीसगढ़ में माइनिंग का प्रोजेक्ट था, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहनों ने कहा हमें ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं चाहिए। कांग्रेस ने आपकी आवाज़ का आदर किया और अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल करके दिखा दिया। छत्तीसगढ़ की जल, जंगल, जमीन आपकी है और इसका हक आपको मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान से वनवासी शब्द को मिटा देगी। देश का जल, जंगल, जमीन सब कुछ आपका है और आपका रहेगा। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा कि मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है तो आप खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं? आप डरिए मत, जाति जनगणना के बारे में देश को बता दीजिए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने 24 घंटा देश से कहा मैं ओबीसी हूं, लेकिन जब ओबीसी की मदद करने का समय आया, जाति जनगणना करवाने का समय आया, हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं ये बताने का समय आया, तो पीएम कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। राहुल ने कहा कि मोदी जी ने कहा था सभी के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, GST से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। वो जो भी गारंटी देते हैं वो 100% झूठ होती है। पीएम मोदी और भाजपा द्वारा सीएम भूपेश बघेल पर लगाए गए महादेव सट्टेबाजी ऐप संबंधी आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जवाब दिया है। बघेल ने कहा ये लोग सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये लोग ईडी और आईटी माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी पूछ रहे हैं दुबई वालों से क्या संबंध है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दुबई वालों से आपके क्या संबंध हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने सवाल किया कि महादेव ऐप के आरोपियों के लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह गिरफ्तारी करना भारत सरकार का कर्तव्य है, क्यों महादेव ऐप बंद नहीं किया गया, ऐप बंद करना भारत सरकार का कर्तव्य है, मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि आपकी डील क्या है, अगर डील नहीं हुई तो ऐप बंद क्यों नहीं करे गए, ऐप बंद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब डील हो गई है, बिना किसी जांच के आपने आरोप लगा दिया, ईडी और आईटी घूम रही है, होटल में पैसे कैसे पहुंचा, इसका मतलब ये आपकी नालायकी है, इसका मतलब है कि आपके वहां कनेक्शन है और जब आपके कनेक्शन हैं तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। बीजेपी बिना धार्मिक मुद्दा उछाले कोई चुनाव नहीं लड़ती है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली का नाम लिया और इसराइल की तरह समुदाय विशेष को दंडित किए जाने की बात कही, तो अब छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी धार्मिक ध्रुवीकरण में जुट गए हैं। मोदी शनिवार 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने वहां महादेव ऐप विवाद की आड़ में कांग्रेस पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी महादेव तक को नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी नवरात्र से पहले से ही चुप हो गए थे और उनकी कोई राजनीतिक बयान सामने नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित करना बंद कर दिया था। लेकिन मोदी अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं, वो अब कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनके शनिवार के बयान ने भाजपा के इरादे भी जाहिर कर दिए हैं
और वो धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, अन्यथा कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लेने के बावजूद चुनाव हारकर दोबारा गलती नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, पूरा प्रदेश कह रहा है बीजेपी आवत है। पीएम मोदी ने राज्य के सीएम भूपेश बघेल पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, दो दिन पहले रायपुर में जो पैसा मिला है वो सट्टेबाजों का है, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनके दुबई वालों से क्या संबंध है। इसके साथ पीएम मोदी ने ओबीसी से खुद को जोड़ते हुए काफी कुछ कहा, साथ ही कहा, कांग्रेस के नेता मुझको रोज 2 से 3 किलो गालियां देते हैं, मैं रोज गालियां खाता हूं, लेकिन मोदी गाली से नहीं डरता है। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम ईडी के द्वारा लाए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी हार की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी के साथ बीजेपी का ईडी के साथ गठबंधन भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा कहने का कारण है, छत्तीसगढ़ पुलिस महादेव ऐप मामले में जांच शुरू कर देती है, बहुत सारी चीज़ें जब्त कर लेती है, लेकिन उसके 1.5 साल बाद ठीक चुनाव के समय मोदी सरकार के निर्देश पर ईडी इस मामले के बीच कूद जाती है और फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पर प्रताड़ना का दौर शुरू होता है। उन्होंने कहा, जाहिर है ऐसे ही नहीं बनाया गया है फर्जी मामला, ऐसे ही नहीं कस रहे हैं नकेल, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत रहे हैं भूपेश बघेल। लाइव ब्लॉग के मुताबिक NBDSA ने टाइम्स नाउ भारत को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। अथॉरिटी ने कहा कि गरबा से संबंधित शो को चैनल फौरन हटाए। इस शो को एंकर नाविका कुमार ने होस्ट किया था। NBDSA ने चैनल को आगाह किया और निर्देश दिया कि वो अपनी रिपोर्टों को सांप्रदायिक रंग देने से बचे। लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस AK सीकरी की अध्यक्षता वाली अथॉरिटी ने कहा कि इस टीवी चैनल ने अपराध, दंगों, अफवाहों और ऐसी संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग में सांप्रदायिक रंग को रोकने के लिए दिशा निर्देशों और नस्लीय और धार्मिक सद्भाव से संबंधित रिपोर्टिंग को कवर करने वाले विशेष दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत चैनल की वेबसाइट और यूट्यूब से वीडियो हटाने का निर्देश दिया जाता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस कंटेंट को हटाने की पुष्टि 7 दिनों के भीतर NBDSA से की जानी चाहिए। बता दें कि लाइव ब्लॉग के मुताबिक दोनों शिकायतकर्ताओं ने 29 सितंबर 2022 को टाइम्स नाउ नवभारत पर प्रसारित एक शो को लेकर शिकायत की थी, जिसमें एक गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल के सदस्यों द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति पर शारीरिक हमला किए जाने के बारे में बताया गया था। शुक्रवार रात के भूकंप से पश्चिमी नेपाल के दूरदराज इलाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 से अधिक हो गई है। काठमांडू से 500 किलोमीटर दूर भूकंप से जर्जर जाजरकोट और वेस्ट रुकुम जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए सुरक्षा बल भेजे गए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं और जाजरकोट और अस्पताल घायलों से पूरी तरह भरा हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अरब देशों के नेताओं और मंत्रियों से बातचीत के लिए जॉर्डन पहुंचे हैं। वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। वो लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन जॉर्डन, लेबनान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और UAE के विदेश मंत्रियों के साथ भी बातचीत करेंगे। वो संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीनी रिफ्यूजीज के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजरीन से भी मुलाकात करेंगे और गजा स्थित स्टाफ से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ेंगे। इजरायली सरकार ने शुक्रवार को हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला के भाषण को उबाऊ और लंबा और बकवास बताया है। सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने नसरल्ला पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कायरों की तरह बंकर में क्यों छुपा हुआ है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने कल कहा था कि लेबनान सीमा पर टकराव बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, ये सब गजा में इजरायली कार्रवाई पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा था, इस वक्त सिर्फ 2 लक्ष्य हैं, पहला लक्ष्य जंग खत्म करना है और दूसरा लक्ष्य इस जंग में हमास की जीत सुनिश्चित करना है। इजराइल जहां गजा में लगातार हवाई हमले कर रहा है और संघर्ष विराम करने से मना कर रहा है, तो वहीं हमास के द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली परिवार के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए तेल अवीव में सैन्य अड्डे के प्रवेश द्वार पर एक अस्थायी शिविर स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो सभी घर नहीं लौट आते हैं, हम नहीं जाएंगे। वो सभी बंधकों के घर लौटने तक गद्दे और स्लीपिंग बैग के साथ तंबू में रहेंगे। अमेरिका ने पहली बार माना है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसके मानव रहित निगरानी ड्रोन गजा के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा
कि ड्रोन बंदूकों का पता लगाने की कोशिश के लिए काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि बंदूकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका का ये बयान तब आया है जब कुछ पत्रकारों ने फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ट्रैक 24 पर देखा कि कुछ MQ-9 रीपर्स ड्रोन गजा के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। इसराइल ने शुक्रवार को गजा में एक एम्बुलेंस को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। IDF का कहना है कि एम्बुलेंस को हमास एक सेल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी वो एम्बुलेंस के अंदर बैठकर अपनी गतिविधियां चला रहा था। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 13 लोग मारे गए हैं। एम्बुलेंस पर इसराइल हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया है। गुटेरेस ने कहा है कि गजा में अलशिफा अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के काफिले पर हमले से मैं भयभीत हूँ। अस्पताल के बाहर सड़क पर बिखरे शवों की तस्वीरें भयावह हैं। गुटेरेस ने कहा, संघर्ष रुकना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।